हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 13-14 नंबर ने शुरुआत की थी। चैप्टर अपना यही है, 8-3 चुनावी राजनीति। पूरा चुनाव का इसमें वर्णन है, कैसे चुनाव में कार्य होते हैं, कौन करवाता है, ये सब है। तो लेक्चर 15 में अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे, मतदान। पिछले लेक्चर में अपने चर्चा की थी, मतदान करना है ना, वोट डालना, वोट डालने के लिए। तो ये चुनाव का आखिरी चरण होता है। शुरुआत तो अपने देखी कि भाई चुनाव में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं, फिर जो चुनाव आयोग होता है वो उनको चिन्ह देता है चुनाव लड़ने के लिए, उस चिन्ह का प्रचार प्रसार करते हैं। आपने देखा होगा रैलियां निकलती हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं, बैनर बनते हैं, उसमें जनता से हाथ जोड़ करके विनती की जाती है कि आप हमें इस निशान पे जो है आप मोहर लगाइए, आप वोट दीजिए, जो भी है इस तरह से। तो ये सारा जब हो जाता है प्रचार उचार सब, तब आता है दिन किसका, मतदान का। और यहाँ पे किसकी पावर आ जाती है, जनता की। और जनता बड़े उत्साह से, भारत में तो बहुत उत्साह से देखा जाता है कि जनता जिस तारीख को चुनाव आने वाले होते हैं और जिस तारीख को चुनाव होते हैं उस दिन वो सब बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में वहां पर पहुंचते हैं जहां पर मतदान होने वाला है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, मतदान केंद्र। तो सरकार जो अलग अलग हिस्सों में मतदान केंद्र बनाती है वो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। जब चुनाव के दौरान उस समय, तो आपने देखा होगा कभी किसी स्कूल में या कोई सरकारी भवन में, तो ये सरकार तय करती है कहाँ पर ये चुनाव के केंद्र बनाने हैं, मतदान केंद्र। तो ये अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं और यहाँ पर फिर उस क्षेत्र के, उस वार्ड के जो लोग हैं जिनकी पर्ची वहां पर पहुंचती है, वो लोग वहां पर वोट देने जाते हैं। चुनाव कराने का जो कार्य होता है वो चुनाव अधिकारी वहां जब वोट देने जाते हैं, आप लोगों ने तभी दिया नहीं वोट, आपको पता नहीं है। तो वोट डालने के लिए जब वहां पे लोग पहुंचते हैं तो जो भी स्कूल होता है या जो भी सरकारी इमारत है जहां पर भी, तो वहां पर जहां पे एंट्रेंस होती है वहां पर एक लंबी लाइन होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं तो जल्दी नंबर आ जाता है इस तरह से। तो वहां रूम होते हैं अलग अलग, तो वहां पे आपको पहले जो आपको घर में पर्ची मिलती है या वहां जहां पर्ची में आप नाम लिखते हो वो पर्ची दिखानी पड़ती है। फिर इस पर्ची में आपके टिक लगा करके आपको, कई सारे वहां पर लोग बैठे होते हैं अधिकारी, और साथ के साथ वहां पे विभिन्न दलों के एजेंट भी बैठे होते हैं, उनको अनुमति होती है वो ये देखने के लिए कि भाई ये सब काम जो है फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं, मतलब निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, कहीं कोई धांधलीबंदी तो नहीं। और यहाँ तक कि पुलिस भी होती है कि कहीं कोई गड़बड़िया कर रहा हो तो उसको वहां पर चेक करे। तो वहां पे चुनाव अधिकारी होते हैं, वहां आपकी पर्ची देखते हैं, नाम आपका देखा जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। आप जो अपना वोटर आईडी लेके जा रहे हो या कोई भी पहचान पत्र लेके जा रहे हो वो चेक किया जाता है। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा उंगली में निशान लगाया जाता है, काली शाही। फिर उसके बाद एक अधिकारी बैठा होता है वहां कॉर्नर में, एक जगह होती है। पहले तो क्या होता था बच्चों, एक मतदान की पर्ची आती थी, आजकल तो ईवीएम मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या होता है कि दो ऐसे होते हैं, एक और तो सारे उम्मीदवारों के नाम होते हैं और उनके सामने जो वोटिंग मशीन उसकी उतारी हुई उसके सामने वहां पर चुनाव चिन्ह होता है व्यक्ति का, और उसके सामने फिर एक बटन होता है, उस बटन को आप दबाओगे तो उसके व्यक्ति के खाते में आपका वोट चला जाएगा। तो ये पहले मतपत्र हुआ करते थे कागज के, अब मशीनें हो गई है। तो एक और तो नाम होते हैं और एक तरफ चिन्ह होते हैं, जैसे अब ईवीएम हो गया है उसे। और इसमें सभी लोगों के नाम होते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी दल के हों या ना हो। जो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ते वो निर्दलीय होते हैं, बिना दल वो चुनाव लड़ते। अब मतदान जब हो जाता है तो अब उसके बाद क्या होगा, हम तो वोट डालकर के आ गए, शाम तक समय होता है 5 बजे तक का जो भी सरकार तय करती है। उसके बाद वहां पे जो जितने भी अधिकारी बैठे होते हैं वो सारी जितनी वोटिंग मशीन है उसका सब काम वाम करके और उसको सील बंद कर देते हैं, अगर आप इसको कोई खोल नहीं सकते, और सील बंद होकर के और ये सारी पेटियां जो होती है एक निश्चित जगह होती है वहां पर पहुंचाई जाती है। और फिर जिस दिन काउंटिंग की डेट आती है, मतलब अब मतों की गणना होगी, तो एक तारीख होती है, उस तारीख में जितने भी क्षेत्र से चुनाव हुए थे उन सबकी मत पेटियां जो होती हैं उनको खोला जाता है। और खोलने के बाद क्या होता है, इनकी मतों की गिनती होती है। तो जहां पे मतों की गिनती होती है वहां पे बहुत सुरक्षा होती है, वहां पे पुलिस बल बहुत होता है, और वहां पे दलों के एजेंट भी होते हैं जहां पे गणना हो रही है, ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ पे कोई
जो है गलतियां तो नहीं हो रही, कुदाने तो नहीं हो रही, किसके पक्ष में ज्यादा वोट तो नहीं बताया जा रहे, तो वो सब काउंटिंग वहां पर होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मीडिया होता है, आपने देखा होगा जब ये गणना होती है तो कैसे इसमें दूरदर्शन पे या रेडियो में इसमें चुनावी नतीजों के परिणाम जो है वो आने शुरू हो जाते हैं कि कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर अखबारों में भी आती रहती है, अखबारों में पहले से रुझान भी आने शुरू हो जाते हैं या पहले से लोगों से पूछना भी शुरू हो जाता है कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी जीतने के आसार हैं, ये सब मीडिया का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि धांधलियां भी होती हैं, चुनाव आयोग की धांधलियां भी देखते हैं कि कहीं भी फर्जी नाम तो नहीं आ गया, किसी ने किसी नाम को हटा तो नहीं दिया, ठीक है, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, जो अभी आपको मैंने पहले बताया था कि कहीं किसी को धमकाया तो नहीं जा रहा है, डराया तो नहीं जा रहा है, अपने पक्ष में वोट कराने के लिए पैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं, रिश्वत तो नहीं दिया, ये सब चीजों की धांधलियां जो होती है वो नजर रखता है कौन, स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, जैसे कि न्यायपालिका अपने यहाँ पर है तो न्यायपालिका के समान इसको यहाँ पर रखा गया है। अब स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इसके पास कुछ अधिकार है। अब ये अधिकार कौन से, मतलब सरकार को भी डांट लगा सकता है क्योंकि उसको बिल्कुल निष्पक्ष रखा गया है। तो सबसे पहले तो ये सूचना जो जारी होती है कि भाई किस तारीख को देश में चुनाव होंगे और चुनाव नतीजे निकल गए तब तक का सारा काम किसके हाथ में होता है, चुनाव आयोग के हाथ में होता है। फिर मैंने आपको बताया था आचार संहिता होती है पिछले लेक्चर में कि कोई अनाप शनाप पैसा तो नहीं खर्च कर रहा है वोटरों को लुभाने के लिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी को डरा धमका तो नहीं रहा है। तो अगर कोई ऐसा उल्लंघन कर रहा है और चुनाव आयोग तक सूचना पहुंच जाती है तो उसको दंड दिया जाता है। सरकार को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं क्योंकि सरकार जिस समय सत्ता में है, ठीक है, तो हालांकि सब जो है उस समय अपना पावर का उपयोग नहीं कर सकते, पर जो चुनाव आयोग है ये इनको भी गाइडलाइन दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है। फिर चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगती है, आपने देखा होगा आसपास आपके परिवार में से हो सकता है किसी की ड्यूटी भी लगती हो चुनाव में, तो चुनाव में ड्यूटी लगती है तो वो फिर चुनाव आयोग के लिए ही कार्य करता है, सरकार के लिए उसकी ड्यूटी पूरी किसके प्रति हो जाती है, चुनाव आयोग, मतलब उसको हर सूचना जो होती है चुनाव आयोग को देनी पड़ती। मान लो किसी कारण से बूथ में कैप्चरिंग हो जाए, कब्जा कर लेते हैं लोग या फर्जी मतदान होते हैं, सारी सूचना उसको किसको देनी होती है, सूचना आयोग, चुनाव आयोग को। फिर अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में धांधली हुई है, फर्जी मतदान हुआ है, मतदान के लिए वो जो वहां पे जगह है उसको लोगों ने कब्जा कर लिया हथियारों के दम पर जो भी है, तो वहां पे वो मतदान निरस्त करके वो पुनः मतदान की घोषणा भी कर सकता है। मतलब चुनाव आयोग को इतने पावर यहाँ पर मिले हुए। अब ये जो चुनाव आयोग है इसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सबसे बड़ा जो हेड होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है पूरे देश में चुनाव संपन्न कराना, राज्य के भी स्वतंत्र चुनाव आयोग होते हैं और देश का भी जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अब अगर अपन देखते हैं कि भाई विश्व में चुनाव में भागीदारी, क्योंकि हर देश में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं लगभग 100 से ज्यादा देशों में चुनाव होते हैं, तो चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर कौन लोग वोट देने जा रहे हैं, अमीरों का गरीबों का क्या परसेंटेज। तो एक सर्वे किया गया, तो सर्वे में देखा गया भाई कि यूरोप अमेरिका में तो ये डाउन हुआ है, लोगों की जो है वोट डालने की जो है उसमें परसेंटेज में गिरावट आई, जबकि भारत में क्या रहा, स्थिर रहा है या थोड़ा सा ऊंचा ही है। मैं इसका ग्राफ का आपको प्रिंट भेजूंगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि विश्व के और देशों में भारत में क्या स्थिति इसकी आती है। फिर अगर अपन देखते हैं तो भारत में अधिकतर देखा गया है कि जो कमजोर वर्ग है, गरीब है, निरक्षर लोग हैं, ये चुनाव के प्रति बहुत उत्साहित होते हैं, जबकि कुछ वर्ग अमीर वर्ग के लोग जो है थोड़े से ये इनकी उदासीनता होती है, ये उदासीन हो जाते हैं चुनाव के प्रति। तो गरीब निरक्षर कमजोर लोगों का जो है परसेंटेज ज्यादा होता है चुनाव में वोट देने का। अमेरिका में इसको उल्टा, अमेरिका में श्वेत अमीर लोग जो है वो ज्यादा वोट जो वहां पर देते हैं। कि भारत में चुनाव को बहुत महत्व दिया जाता है, जब चुनाव की डेट आती है तो अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है कोशिश करते हैं, हालांकि कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि हम लोग थोड़े से क्या हो रहे हैं चुनाव के प्रति रुचि कम हो जाती है, उनको लगता है कि कोई विकल्प ही नहीं है हमारे सामने, वही गिने चुने चेहरे हैं, वही पार्टियां हैं, तो कई बार वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं उसके प्रति से जो
उदासीन हो जाते हैं, पर कहीं कहीं देखा जाता है कि सक्रियता बढ़ भी जाती है। तो ये सब क्या है? जनादेश। पूरा जनता जो है वो अपना जो है निर्णय सुना देती है, किसके जरिए? मतदान के जरिए। तो कई बार देखा जाता है कि ये जो चुनाव आयोग है इसके सामने भी कई चुनौतियां आ जाती हैं। चुनौतियां मैंने आपको पहले बताई थी, कुछ मुश्किलें होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो चुनौतियां कि उनको देखना पड़ता है कि धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा, उनको सब और नजर रखनी पड़ती है। और अगर कहीं से शिकायत आ जाती है तो उसके लिए उनको कार्यवाही भी करनी पड़ती है। धन का दुरुपयोग कैसे? मतलब बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं किया जा रहा, जितनी लिमिट थी उस लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या किसी को पैसे तो नहीं खिलाए जा रहे अपने पक्ष में वोट देने के लिए, ठीक है। फिर कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो चुनाव में नहीं खड़े हो जा रहे हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा गंभीर रिकॉर्ड रहा है आपराधिक प्रवृत्ति के, या वो आपराधिक प्रवृत्ति के होकर के और शस्त्रों के हथियारों के दम पर तो नहीं कर रहे हैं कोई काम, लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। फिर कई परिवारवाद भी देखा जाता है कि केवल रिश्तेदारों को ही सीटें दी जाती है, परिवार के लोगों को ही, दल में अन्य लोगों को मौका नहीं दिखता है, तो ये भी देखनी पड़ती है। विकल्पहीनता की स्थिति भी आ जाती है ऐसे में, क्योंकि नए चेहरों को मौका नहीं मिलता है, तो दलों में क्या आ जाता है? विकल्पहीनता, मतलब ऑप्शन नहीं होते, वही चेहरे बार बार जो है चुनाव में आ जाते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि निर्दलियों को भी परेशानी होती, निर्दलियों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता। तो चुनाव आयोग जो है उसका कार्य बहुत बड़ा होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि पूरे चुनाव में उसकी नजर रहे और कहीं भी किसी प्रकार से फर्जी मतदान ना हो, धांधलियां ना हो, मतदाताओं को डराया धमकाया ना जाए, ना उनको पैसे को लालच दिया जाए, और कोई अपने सत्ता का दुरुपयोग भी ना करे। तो इस तरह की स्थितियां जो है बच्चों यहाँ पर अपन देखी कि भारत में और पूरे विश्व की स्थिति में देखी चुनावी राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से चुनाव कराने चाहिए, और स्वतंत्र चुनाव आयोग की क्या जो है जिम्मेदारियां होती है और कैसे वो जिम्मेदारियों पर खरा होता है। तो आशा है बच्चे समझ में आ गया होगा, और मैं आपको क्या करना है, काम कैसे करना है वो ऑडियो के जरिए बता ही दूंगी, किसको आप ढंग से एक बार देख लें, समझ में आ जाएगा।